हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधुबाला स्वामी, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। यहाँ पर सुबह, इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं घूम के और आ गई थी पार्क में, और बस अब मैं स्वामी जी के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बालकनी में चाय पीती जा रही हूँ, एडिटिंग भी कर रही हूँ, और मैंने जो है नाश्ते की तैयारी भी वहाँ पर कर दी। और स्वामी जी पूजा कर रहे हैं, बस वो नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद में मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रेस्ट करते हुए ही मैं कॉपियाँ चेक करूँगी और सब्जी काटूँगी। तो बस आज मैं जो है भरवा टिंडे बनाऊँगी, टिंड सी जिसको बोलते हैं। आप क्या बोलते हो? हम तो टिंड सी और टिंडे दोनों ही बोलते हैं। और बस यहाँ पर ये मेरी कॉपियाँ ये सारी चेक करनी है। और आज संडे है, आज सभी लड़कियों की छुट्टी है। बस एक बेबीटिया आएगी, उसका नाम दीप्ति है। यहाँ मैंने प्याज काट लिए, टिंडे छील लिए सारे, और आलू मैंने छील लिए, लहसुन छील लिए। बस इस तरीके से टिंडों को जो है क्रॉस निशान लगाना है। क्रॉस निशान इस तरीके से कट करना है कि नीचे से जो आर पार कट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से कट होना चाहिए ताकि इसमें हम मसाला भर सकें। और बस इस तरीके से मैंने सारे टिंडे कर लिए और आलू को पतले पतले स्लाइस में काट लिया। और चार पांच जो है मैं प्याज डाल रही हूँ उसमें, मेरे बड़े वाले बेटे के लिए, क्योंकि चार पांच ही मेरे पास छोटे छोटे से प्याज थे, तो बस वो मैंने डाल दिए। और छोटे बेटे के लिए आलू डाल दिए। और बस अब मैं पेस्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने तीन चार हरी मिर्ची ले ली, प्याज इसमें डालूँगी और थोड़ा सा टमाटर डालूँगी और लहसुन डालूँगी। बस फिर इसमें सूखे मसाले मिला लूँगी मैं, हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर और नमक, और आप इसमें खटाई अमचूर पाउडर भी मिला सकते हो। तो बस पेस्ट हम जो है हमारे भरवा में जो टिंडे बनाए हैं उसी में हम मिला लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, आप इसमें चाहो तो जो पीनट्स होते हैं, मूंगफली के दाने जो होते हैं, उसको भी सेक के और उसको पीस के आप इसमें मिला सकते हो। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। और अगर वो नहीं हो तो आप जो तिल होते हैं, तिल को भून के और उसका जो है पेस्ट बना के, मतलब पीस के उसको, और इसमें मिला सकते हो, तब भी अच्छी मिलती जो है बनती है सब्जी। तो इसमें पीनट्स और तिल भी मिला सकते हो। और नहीं तो आपको जो शाही सब्जी अगर बनानी है तो इसमें आप जो है काजू का पेस्ट करिए, सात आठ काजू ले लीजिए और उसका पेस्ट करिए और वो मिला दीजिए और किशमिश डाल दीजिए। तो बस यहाँ पर मैंने सूखे मसाले मिला लिए। आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। मैं जो है रोज़मर्रा की सब्जियों में गरम मसाला जो है ऐड नहीं करती हूँ। राजमा छोले और इस तरीके की सब्जी बनाती हूँ मैं, तभी जो है गरम मसाला ऐड कर सकती हूँ। बस अब इसी तरीके से हम ये देखिए टिंडे में हम भर लेंगे, तो मैं तभी जो है गरम मसाला ऐड करती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से खोल के दोनों अंगूठे और हाथ से इसको थोड़ा सा भींचेंगे तो वो खुल जाएगा। उसके बाद में इसमें मसाला भर देंगे, एक्स्ट्रा मसाला ऊपर से पोंछ देंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे से जो टिंडे हैं वो भरवा भर लूँगी, और उसके बाद में जो है प्याज भी भर दूँगी। आप इसमें प्याज और भी जो है ज़्यादा डाल सकते हो, और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। और इसी तरीके से तरोई की सब्जी और लौकी की सब्जी ये भी बनती है। लौकी पतली पतली कच्ची होती है, उनको इसी तरीके से भर के बनाते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे टिंडे इस तरीके से भर लूँगी। और इसके बाद वाले जो है ब्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा। मैं उसमें जो है इसको मैंने जोड़ा नहीं है क्योंकि लंबा हो जाता ब्लॉग। ये देखिए सारे टिंडे मैंने भर लिए हैं, और बस मैंने जो है टिंडे एक तरफ साइड में रख दिए हैं। और मैं अब राबड़ी बना रही हूँ, तो दो थैली छाछ की यहाँ पर मैं डाल दूंगी, और बस उसमें मैं जो है राबड़ी मिला दूंगी और फिर इसको फेंट दूंगी। तो राकेश और स्वामी जी की जो है बोतल भर दूंगी राबड़ी की, और पापा जी को कटोरे में दे दूंगी, और मेरे भी एक गिलास में ले लूंगी। तो बस यहाँ पर मैं राबड़ी की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि मैं बता रही हूँ गाइस, इसके बाद वाले ब्लॉग को जरूर देखिएगा कि मैंने आज दिन में क्या खास। सॉरी गाइज, यहाँ पर क्या हुआ, हॉल में मेरा छोटा वाला बेटा पढ़ाई कर रहा है, तो वो ही आके जो है गेट बंद करके गया, क्योंकि मेरी आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो रहा था, तो गेट की आवाज़ आई डिस्टर्बेंस के लिए, सॉरी। यहाँ पर मैंने राबड़ी बना के और रख दी, और बस अब मैंने सरसों का तेल डाला है दो चमचे छोटे वाले, उसमें राई जीरा डाला है, उसके बाद में मैंने लहसुन का पेस्ट और जो है इसमें मैंने प्याज डाल दिए, हरी मिर्ची डाल दी और भून ली। इसमें चार पाँच लाल मिर्ची डाली है, वो गीली वाली लाल मिर्ची डाली थी मैंने तेल में,
और बस यहाँ पर आप तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी का भी जो है प्रयोग कर सकते हो। और बस मैंने इसमें आलू डाल दिए क्योंकि आलू जो कड़क होते हैं तो उसको पकने में टाइम लगता है। और बस फिर मैंने वन बाय वन मैं जो है टिंडी डाल दी और अब मैं इसको ढक के पका रही हूँ। मैं इसके ऊपर, थाली के ऊपर पानी मैंने नहीं डाला है क्योंकि फिर जो है लचलचली सब्जी बन जाएगी तो वो सब्जी फिर अच्छी नहीं लगेगी भरवा टिंडी की। तो बस यहाँ पर मैं ढक ढक के इस तरीके से पकाती जा रही हूँ और आँच को मैंने मीडियम लो फ्लेम कर रखा है। और बस यहाँ पर ये देखिए, जब तक आलू गल ना जाए तब तक मैं पकाऊंगी। और अभी मेरे पास आधी कटोरी भरा हुआ और मसाला पड़ा हुआ है तो बस इसकी ग्रेवी के लिए मैं इसमें ऊपर से मसाला डालूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी कितनी टेस्टी यम्मी सब्जी बन के तैयार हो गई। और मैं अब काट के देखूंगी कि आलू हुआ कि नहीं हुआ। तो आलू हमारा हो गया था और बस उसके बाद में जो है मैं मसाले मिला दूंगी इसमें। जो आधा कटोरी मेरा जो मसाला पड़ा हुआ है बस वही मिला दूंगी मैं। और बहुत ही यम्मी ये सब्जी लगती है, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसमें आप जो है प्याज आप और ज़्यादा जो है चॉप करके भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च डाल सकते हो और हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप इसमें जो है लाल मिर्ची ज़्यादा डालिए, और नहीं तो आप सूखी लाल मिर्ची को गला के और उसका पेस्ट बना के लहसुन के साथ और वो जो है उसका पेस्ट करिए। और बस उसके बाद में मैंने आटा लगा लिया, उसको जो है ढककर पका रही हूँ अभी मैं और आटा लगा रही है। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही वेरी टेस्टी यम्मी और ग्रेवी वाली सब्जी बन के तैयार हो गई। जिसको आलू खाने हैं वो आलू खाएंगे, जिसको प्याज खाने हैं प्याज खाएंगे, और जिसको टिंडा खाना है वो टिंडसी खाएंगे। क्योंकि प्याज मेरा बड़ा वाला बेटा खाएगा, आलू मेरा छोटा वाला बेटा खाएगा, और टिंडसी में पापा जी और स्वामी जी खाएंगे। तो बस यही हमारी आज की सब्जी है, बहुत ही यम्मी टेस्टी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और बस ये लास्ट में एक बार और ढक के पका दी और आलू हमारे अच्छे से जो है सॉफ्टली कट रहे थे और जो है टिंडसी भी अच्छे से गल गई थी। तो बस ये हमारी सब्जी है, बहुत ही यम्मी यम्मी, एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो है मेरे इसके बाद वाले ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने पापा जी की थाली सर्व कर दी तो सब्जी दे दी, राबड़ी दे दी और चपाती दे दी, और थोड़ी सी नमकीन दे दूंगी उनको, जो ज़रूरत होगी तो वो ले लेंगे। तो बस यही हमारी जो है आज का लंच है। राबड़ी दे दी मैंने स्वामी जी के, और बस अब मैं टिफ़िन पैक कर दूंगी और मेरे लिए राबड़ी रख रखी है मैंने। बड़ा वाला बेटा रायता बना के खाएगा, उसके लिए रायता बना दूंगी। और आज मुझे दिन में बहुत सारा काम है और बहुत थका देने वाला दिन है क्योंकि इस काम को करने के लिए विमला बहुत दिनों से पीछे पड़ रही है। चलिए मैम कर लेते हैं, चलिए मैम कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बीएड के जो है क्लासेज चलने लग जाएगी तो फिर उसको टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ मैं चपातियाँ बनाती जा रही हूँ क्योंकि मैंने पापा जी की थाली तो सर्व कर दी लेकिन टिफ़िन पैक करना था, बच्चों की चपाती बनानी थी, और एक चपाती मैंने मेरी लूकी बनाई है। गाइस मैं घी नहीं खाती हूँ और बस ये स्वामी जी का टिफ़िन मैं पैक कर रही हूँ। तो अगर मेरे ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मेरे चैनल पर आप नए हो तो बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बस यहाँ मैं फॉइल पेपर में इनको रैप कर रही हूँ और मेरी एक चपाती रख दी, और बस अब मैं बड़े वाले बेटे का रायता बना दूंगी और टिफिन पैक करके दे दूंगी। और यहाँ पर मैं जो है कॉपियाँ चेक कर रही हूँ बच्चों, लड़कियों की, और ये मेहंदी की, पार्लर की, और सारी कॉपियाँ चेक करूंगी और विधि लिखवाती हूँ लड़कियों को, और वो सारा चेक करूंगी। विमला की कॉपी, जैसा कि मैंने बताया ही था कि मैंने चेक भी कर दी, हिसाब भी कर दिया उसका, और ये पार्लर की कॉपी है। हिसाब करने का मतलब ये होता है गाइस के कई लोग विमला को जो है मेरे बारे में बोलते हैं कि विमला क्या है, मेरे से बहुत प्यार करती है, वो मुझे मम्मी की तरह मानती है और मैं उसको बिटिया मानती हूँ। तो कई लोग उसको बोलते हैं कि तू, तेरी जो इससे मैम है इससे इतना प्यार क्यों करती है, क्या ये तेरे को सोने के टके देती है, मतलब इस तरीके से बोलते हैं। तो मैं हिसाब जो लिखती हूँ उससे उसको ये पता है कि मैम मेरे लिए क्या कर रही है। हिसाब लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं उससे जो है पैसे मांगूंगी, अपने बच्चों से भी कोई पैसे मांगे जाते हैं, और मैं विमला को बेटी मानती हूँ। और हिसाब तो जो है मेरे नाना जी भी लिखते हैं, मम्मी जी भी लिखती हूँ और मैं भी लिखती हूँ, मेरी हैबिट है, मेरी आदत है, और वो खुद विमला भी लिखती है, और वो विमला की ही डायरी है जो कि हिसाब होता है। और मैं उससे कभी भी जो है पैसे नहीं मांगती हूँ और न मांगूंगी जिंदगी में। लोग बाग तो ऐसे ही जो है पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और मैं किसी की बातों में नहीं आती हूँ,
और विमला भी जो है किस्से की बातों में नहीं आती है। जैसा कि मैंने बताया कि कई लोगों ने ऐसे बोला कि वो तेरी शादी के बाद यानी विमला की शादी के बाद राम बाबू इसके भाई का नाम है, छोटे भाई का नाम, और उसकी मम्मी से जो है ब्याज समेत पैसे मांगेगी। लेकिन गाइज मैं ये बता देती हूँ कि हिसाब में लिखती ज़रूर हूँ और मैं सभी का हिसाब लिखती हूँ। मैं जो घर में परचूनी सामान मंगाती हूँ या मैं दूध छाछ वगैरह मंगाती हूँ, मेरी डेली रूटीन की डायरी है जैसा कि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं उसका भी हिसाब लिखती हूँ। मैं पाई पाई का अगर 2 रुपये भी मैंने खर्च करे हैं तो मैं उसको भी मेरी डेली रूटीन की डायरी में मैं लिखती हूँ। वैसे ही विमला भी हिसाब लिखती है, विमला की खुद की जो है मैंने उसकी भी हैबिट डलवा रखी है, आदत डलवा रखी है डायरी मेंटेन करवाने की। जब से वो मेरे टच में आई है तब से तो वो डायरी मेंटेन मैं उसकी करवा रही हूँ, और मैं उसके लिए क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ ये वो जानती है। और अब मैं जो है उसका सारा हिसाब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप खुद जानते हो कि मैं उसके लिए क्या करती हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे बाद में पैसे मांगूंगी, वो मेरी बिटिया है और बिटिया ही रहेगी। जरूरी नहीं है कि लीगल डॉक्यूमेंट बनाए जाए, मन से भी बिटिया किसी को मान सकते हैं। तो बाय, गरीब बच्ची है, पापा भी नहीं है, तो बाय बाय गाइज, मिलेंगे बाद में अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉच।